हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक घमंडी राजा की कहानी सुनाऊंगा। एक राज्य में एक राजा राज करता था और वह बहुत ही घमंडी था। लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, लोगों पर अत्याचार करता था और परेशान करता था। वह ज़बरदस्ती कर वसूलता था। फिर एक दिन उस राजा ने सभी से कर वसूलने के लिए अपने सेनापति को भेजा। जब सेनापति अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर कर वसूलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा कि तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया है। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़ कर अपने साथ ले गए, राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि आदमी कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने कहा, इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सजा सुनाऊंगा। आदमी बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। तभी राज्य में एक साधु महाराज पधारे और फिर उन्होंने देखा कि राजा अत्याचार कर रहे हैं और साधु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर राजा ने कहा कि अगर तुम भी ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो मैं तुम्हें भी सज़ा सुना दूंगा। मैं इस देश में महान राजा हूं, मैं सब कुछ जीत चुका हूं, कहीं राज मैंने अपनी ही बल पर जीते हैं। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो, अगर तुमने सही सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या जीता है। तो साधु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी ना हो तो तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं फिर अपने खाने पीने का तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम अपने खाने पीने के लिए किसी को क्या दे सकते हो। राजा ने कहा, मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज भी दे सकता हूँ। फिर साधु ने कहा कि अगर मैं आधे राज भी ना मानो तो तुम क्या दोगे। तब राजा ने कहा, मैं पूरा राज दे दूंगा, तो फिर उसके पास तुम्हारे पास क्या बचेगा। तुम अपने खाने पीने के बदले पूरा राज देने के लिए तैयार हो, अगर तुमने खाना ना मिले तो तुम उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो या नहीं कि तुम्हारे पास इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए हर इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आई, राजा को भी बहुत घमंड था जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक